माय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू अगेन? वेलकम बैक ऑन माय चैनल अकाउंटिंग गुरुजी। ये चैनल आपके लिए, आपके सपोर्ट के लिए, आपके स्टडी के लिए है। यहाँ पे बीकॉम के बच्चे ही सबसे ज्यादा होते हैं। तो एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा कमेंट में आ रहा था कि सर कोरोना फिर से आ चुका है, मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। गाइस ध्यान से सुन लेना, कभी आपको बीकॉम के ऊपर खतरा आ भी गया और आप अब बता रहे हो। देखिए, कोरोना जो था, जो थर्ड वेव है, दो दो वेव आ चुकी हैं, थर्ड वेव कह लो, फोर्थ वेव कह लो, पता नहीं, समथिंग ऐसे ही कुछ है। चाइना में इस समय लॉकडाउन चल रहा है, एज यू नो। हमारे यहाँ पर भी जगह जगह पर मास्क कंपलसरी कर दिया अगेन, स्टेशन पर, बस स्टैंड पर एंड आपके अपना एयरपोर्ट पर चेकिंग होने लगी है, किसकी? कोरोना की। इसके अलावा रिस्ट्रिक्शंस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। क्या कोरोना दोबारा से आ रहा है? 4000 केसेस डेली आ रहे हैं, लगभग 3-4 हज़ार केसेस। तो क्या दोबारा से हमारे एग्ज़ाम कैंसिल हो सकते हैं या पोस्टपोन हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, क्या कुछ हो सकता है, प्लीज़ सर बताइएगा। तो इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके साथ क्या होगा, क्योंकि आप प्रिपरेशंस कर रहे हो। मुझे पता है 50% से ज़्यादा बच्चों के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी, जैसे हमारी, हम क्या कहें, अपनी लैंग्वेज में कहें तो भाई, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, कुछ भी, CCS यूनिवर्सिटी, मैं भी वैसे पढ़ाऊँ, सबसे लेट एग्ज़ाम्स होते हैं। बीकॉम फाइनल के एग्ज़ाम जून तक के लिए खींच दिए हैं। और भी यूनिवर्सिटीज़ है आसपास हमारे, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटीज़ है, DU का भी आपको पता ही है, वहाँ पे ऑलमोस्ट अपना, बिहार में भी यूनिवर्सिटीज़ है, अपनी पूरब में यूनिवर्सिटीज़ है काफ़ी सारे। तो वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, क्या एग्ज़ाम अगर पेंडिंग है तो क्या कैंसिल हो सकते हैं? तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट, अब आपके लिए निगेटिव हो सकता है, ये मैं नहीं कहूँगा, कि सभी बच्चों के, जितने भी बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, वो 18+ होंगे, सबके वैक्सीनेशन हो चुकी है। तो पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट को पता है कि आपकी वैक्सीनेशन हो चुकी है, आपको उन्होंने पूरा यहाँ पे गाइड कर दिया है। उसके बाद अगर कोरोना आता भी है तो कोई भी आपके लिए पाबंदी नहीं होगी एग्ज़ाम्स को लेकर। अगर आपको ये लग रहा है कि कॉलेज आपके बंद कर देंगे कोरोना आ गया, तो वो कंडीशन पहली बात तो आएगी नहीं, क्योंकि जब सेकेंड वेव आई थी या फर्स्ट वेव आई थी तो लोग वैक्सीनेटेड नहीं थे, जिस कारण से संक्रमण फैला था और सब कुछ लॉकडाउन कर दिया था। बट अब क्या है, सब लोग वैक्सीनेटेड हैं, तो ये अफवाहें चल रही हैं। कुछ मैंने देखा, एक दो लोग यूट्यूब पे बता रहे हैं, इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा कि भाई कोरोना आ गया है, फिर से एग्ज़ाम होंगे कैंसिल, ऐसी हो जाएंगे पास। अगर आप बीकॉम फर्स्ट ईयर के भी स्टूडेंट हो, आपका एग्ज़ाम होगा, अपनी तैयारी 101%, जी हाँ गाइज, मैं तो कहूँगा 120% जो है अपनी तैयारी अच्छे से करके चलिए गाइज। कोरोना भले ही बैक हो चुका है, लेकिन वो उस गति से नहीं हुआ या उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा जितना पहले हो चुका है, रहेगा, केसेस भी आएंगे, चूँकि आप वैक्सीनेटेड है, दो दो डोज आपकी लग चुकी है, नहीं लगी हुई है तो लगवाइए, और उसके बाद आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम ही होंगे। बाकी ये हो सकता है कि जो रेगुलर क्लासेस हैं उनका शेड्यूल चेंज हो जाए, ये वो बंद हो जाए, लेकिन एग्ज़ाम्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 101% आपके एग्ज़ाम होंगे, एक लाइन में कहो तो एग्ज़ाम होंगे होंगे होंगे। तैयारी करते रहो, तैयारी के लिए कोई भी टिप्स आइए कमेंट कर देना, और आप इंडिया के किसी भी कोने से हो, एग्ज़ाम आपके होके रहेंगे, तो अब कोई भी निगेटिविटी अब मत लाना, क्योंकि आपके लिए मैंने वीडियो बनाकर बता दिया। जो बीकॉम एग्ज़ाम पर खतरा, ये ऐसे ऐसे टैग जो चल रहे हैं ना, मैंने क्वेश्चन मार्क इसीलिए लगाया, ऐसे ऐसे जो चल रहे हैं उन सबके ऊपर ये वीडियो जो है एक ही तमाचा है कि भाई इन बच्चों को बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत करो, मोटिवेट करो पढ़ने के लिए, जैसे हम करते हैं, आपके लिए नए नए टिप्स बताते हैं, हाउ, कैसे आप अपने लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, कैसे आप एक टाइम मैनेजमेंट बना सकते हो, राइटिंग अच्छी कर सकते हो। मैम भी आपको इतना गाइड करती हैं, कलश मैम, तो इसलिए भाई चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब तो करो ना, फीस तो आपसे कोई नहीं ले रहे ना, तो हमारी एक फीस है, वो क्या है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब।